रमजान के महीने में ट्रोल हुई सारा अली खान। जी हाँ, एक्ट्रेस सारा अली खान फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। पटौदी खानदान और रॉयल लाइफस्टाइल से सजी जिंदगी मिलने के बावजूद सारा आम जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करती हैं। फिल्मों से अलग जब भी सारा घूमने निकलती हैं तो वो कभी पहाड़ी इलाकों में, तो कभी सड़क के किनारे लोकल डिश बनाते हुए नजर आती हैं, तो कभी मंदिरों में। अब सारा अली खान ने अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल से थोड़ा वक्त निकाला और झोपड़पट्टी के बच्चों महिलाओं के साथ मिलते जुलते नजर आई। दरअसल उन्होंने रमजान के पाक महीने में जरूरतमंदों की चीजें बांटी। जरूरतमंदों को चीजें बांटने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। सारा अली खान की हाल में ही फिल्म मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन रिलीज हुई है। दोनों ही मूवी में उनके काम की काफी तारीफ की जा रही है। अब सारा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रमजान के महीनों में वो जरूरतमंद बच्चों को खाना बांटती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान पेपराजीज उन्हें कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं, हालांकि सारा उन पर भड़क जाती हैं। सारा अली खान की नजर जैसे ही पड़ती है पेपराजीज पर, वो उनसे कहती है कि शूट मत करिए। साथ ही सारा कैमरे को देख के काफी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और पेपराजीज को बार बार शूट ना करने के लिए कहती हैं। खास बात यह है कि रमजान के महीने में सारा अली खान जहां बच्चों को जरूरतमंद चीजें दे रही थी वहां मंदिर था। ऐसे में माना जा रहा है कि मंदिर के बाहर सारा अली खान ने बच्चों को चीजें देने की सोची। रमजान के पाक महीने में मंदिर के बाहर यूं सारा का जाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि सारा अली खान की इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं, जहां सारा की इस आदत की तारीफ की जा रही है, तो वहीं कुछ लोगों को मंदिर के बाहर ज़रूरतमंदों को चीज़ें बांटना बिल्कुल सारा का पसंद नहीं आया, जिस वजह से सारा अली खान को ट्रोल कर दिया गया।